हेलो फ्रेंड्स, आखिर कैसे बनते हैं परफेक्ट मार्केट स्टाइल मोमोज? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ठेले वाले मोमोज की रेसिपी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी मोमोज बना रहे हो और अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देख लिया है तो गारंटी है आप मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बना पाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं इसकी स्पेशल फेमस लाल चटनी, जिसके लिए हमने 5 से 7 टमाटर ले लिए हैं, बढ़िया मोटे छोटे सभी टाइप के ले लिए हैं। इन्हें आपने रफली कट कर लेना है, एक टमाटर को 4 पीसेस में कट कर लेना है। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले फटाफट से लाइक करो। तो जैसे ही हमारे टमाटर कट हो जाएंगे, इसे 1 गिलास उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्च, यहाँ पर ये तीखी वाली मिर्ची है तो 4 से 5 ही हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद है जो कम तीखी है वो मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8। और इसके बाद ऐड करेंगे 2 बढ़िया मोटे लहसुन की कलियाँ, अगर आपके पास छोटी है तो 5 से 7 ऐड कर दें। इसके बाद हम इसमें कद्दूकस करके अदरक को ऐड कर देंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस रेसिपी में यूज़ किए हैं उन सभी की नेम की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और उसे कवर करके रख देंगे, उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें गाढ़ापन लाने के लिए बनाएंगे स्लरी। इसके लिए 1 छोटी कटोरी पानी लेना है, उसमें 2 मीडियम साइज चम्मच कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद उबलते हुए हमारे टमाटर के पानी में ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और अच्छे से मिला दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज की वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले आपको हमारी कौन कौन सी रेसिपीज बड़ी ही पसंद आ रही है। इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में ध्यान दें आप इसे चला भी लें। और जैसे ही 15 मिनट पूरे होते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में पीस करके इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टफिंग बना करके तैयार करनी है। यहाँ पर हमने 1 पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ये हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कद्दूकस की हुई गाजर, यहाँ पर हमने 1/2 गाजर का यूज़ किया है। और साथ ही में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि नमक ऐड करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा और स्टफिंग करते वक्त दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे तो स्टफिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटे के बाद हम इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम इसे मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से पानी इसका निकाल देंगे, और इस तरीके से सूखी सूखी स्टफिंग बनकर के तैयार है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि आप इसे पौधों में ऐड कर दें। इसके बाद हम इसमें हमारी बाकी की वेजेस मिलाएंगे, जैसे कि हरा धनिया, आप चाहे तो इसमें पालक को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हरा प्याज, जिसे हम गूंदली भी कहते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक शिमला मिर्च, और 1 लहसुन को अच्छे से कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। लहसुन का फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इन सभी को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। मोमोज की स्टफिंग तैयार है। अब बनाते हैं मोमोज का आटा। इसके लिए हमने लेना है 1 गिलास मैदा, वेट में देखा जाए तो ये 200 ग्राम आटा है। अब इसके अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से इसका टाइट आटा गूंद करके तैयार कर लेना है। हमारा मोमोज का डो बन करके तैयार है। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। 1/2 घंटे के बाद मोमोज के डो की अच्छे से मालिश करेंगे। इस पर हमें ना कोई ऑयल लगाना है, ना कोई घी लगाना है, ना ही कोई पानी लगाना है, सिर्फ अच्छे से मसलते रहें। थोड़ी ही देर बाद मुलायम हो जाएगा। जितना आप इसे मसलेंगे उतना ही हमारा जो मोमोज है वो बढ़िया बन करके तैयार होगा। स्टफिंग भरते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो ये देखिए बिल्कुल कितना मुलायम और स्मूद हो चुका है। इसके बाद हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है इस आटे की, और इसे मैदे में कर छोटी छोटी रोटियाँ बनाना शुरू कर देना है। ध्यान रहे ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, तभी हमारे मोमोज जो है वो परफेक्ट बनेंगे। तो बिल्कुल छोटी सी गोल रोटी बनाने के बाद हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद आप इसे अच्छे से डिज़ाइन में अच्छे से मोड़ दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपकी शेप में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी मम्मी ने यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाई है, क्योंकि मम्मी भी फर्स्ट टाइम बना रही है। देखिए इस तरीके से
हमारे पहले मोमोज की शेप कुछ ऐसी बनी है, देखते हैं दूसरे मोमोज की शेप कैसी बनती है। स्टफिंग करने के बाद ये देखिए शेप बननी शुरू हो चुकी है। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी मोमोज बना करके तैयार कर लेंगे। हमारे सभी मोमोज बन चुके हैं, इसे अब हमें स्टीम होने के लिए रख देना है। जिस तरीके से हमने आंवले का अचार बनाया था उसी तरीके से हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपने हमारे आंवले अचार की वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने इसका लिंक डाल दिया है, उसे आप देख लीजिए। ढक लगाकर 2 मिनट पकाएं। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इस पर बटर लगा दें ब्रश की मदद से। जैसे ही सभी पर बटर लगेगा तो ये काफ़ी शाइन करेंगे और अच्छी खुशबू आएगी खाते टाइम। जैसे ही सभी पर बटर लगता है इसे हम ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और ये पक करके बढ़िया तैयार हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम सभी मोमोज को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मोमोज हमारे बढ़िया पक करके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी टोकरी पर चिपके नहीं हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, वरना क्या होता है सभी बैटर जो होता है वो पूरा नीचे चिपक जाता है। जैसे ही ये पक करके तैयार हो गए एक बार फिर से इनके ऊपर बटर लगा देंगे और बटर लगाने के बाद जो टमाटर मिर्ची हमने पीस करके रखी थी इसको रेडी करते हैं। इसमें ऐड करेंगे टमाटो सॉस ताकि इसका जो तीखापन है वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो। आप चाहे तो यहाँ पर पिज्ज़ा की सीजनिंग्स भी डाल सकते हैं। पिज्ज़ा की सीजनिंग ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद 1 छोटी चम्मच विनेगर को ऐड करेंगे और अच्छे से मिला देंगे। हमारी मोमोज की चटनी बनकर के तैयार है। अब आप इसे सर्व करें गर्मा गर्म मोमोज के साथ। ये काफ़ी शानदार चटनी बनकर के तैयार हो गई है। इस चटनी को